किसानों को समितियों में खाद नहीं मिल रही, जबकि किसानों को इस समय खाद की आवश्यकता है जिन्हें उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि किसानों को अन्य जानवरों के नुकसान से बचाया जाए। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किया धरना प्रदर्शन और खंड विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक रिपोर्टर तेज नारायण गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद कानपुर नगर घाटमपुर ब्लॉक अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आज दिनांक 13 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार को घाटमपुर ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के तहसील अध्यक्ष विनोद सिंह के नेतृत्व में विभिन्न पदाधिकारी धरने में बैठ गए और विभिन्न मांगों को लेकर घाटमपुर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी भी विनायक को सौंपा ज्ञापन, जिसके माध्यम से उन्होंने अवगत कराया कि इस समय गेहूं की फसल तैयार हो रही है, जिसे अन्ना मवेशी फसल को चर कर व रौंद कर नष्ट कर रहे हैं। जिस गांव में गौशालाएं हैं वहां भी उन गांव में अन्य जानवर घूम रहे हैं। कुछ गौशालाओं में रात्रि के समय जानवरों को छोड़ दिया जाता है, जो किसानों की फसल को नष्ट कर देते हैं। किसान रात भर जागकर पड़ रही हाड़ कपाऊ ठंड के मौसम में फसलों की रखवाली कर रहा है, फिर भी फसल को नहीं बचा पा रहा है, जिससे किसान भुखमरी की कगार पर है तथा किसानों को खाद समितियों से खाद की समस्या है, उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान परेशान है। किसान पदाधिकारियों इन समस्याओं संज्ञान में लेते हुए खंड विकास अधिकारी विनायक जी ने पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि जिन गांवों में अन्ना जानवर घूम रहे हैं वहां की सूचना हमें फ़ोन के माध्यम से तुरंत अवगत कराएं तथा आप लोगों की समस्याओं का निस्तारण के लिए हम 24 घंटे सेवा में तत्पर हैं। इसके लिए हम ग्राम पंचायतों के सचिव प्रधानों को निर्देशित कर रहे हैं, जिससे इस समस्या का हल निकल सके। इस मौके पर राधेश्याम मौर्य जिला प्रवक्ता कानपुर नगर, रवि प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष, राघवेंद्र सिंह, प्रीति गौतम, सुशीला, सुनीता आदि दर्जनों की संख्या में किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। घाटमपुर में आपको बताएं, पूरे ब्लॉक में, घाटमपुर ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, तो घाटमपुर ब्लॉक में हमारी पहले से कुल 18 गौशालाएं संचालित थी। अभी इस बार हमने 8 गौशालाएं और खोली, आप लोगों को पता होगा नई गौशालाएं खुली हैं, ठीक है। और जो हमारी पुरानी गौशाला थी उन गौशालाओं में भी हमने जहाँ पे जिस प्रकार की जगह थी उसके अनुसार हमने उसकी क्षमता में और भी वृद्धि की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं किसी गांव में अगर आपके अन्ना जानवर हैं, आप हमें तत्काल उसको बताइए। हमारा फोन हमेशा आप हमें जब भी फोन करेंगे, इवन मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर 12 बजे रात को भी आप फोन करेंगे तो मेरा फोन उठेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको वास्तविक जरूरत है किसी भी चीज की, चाहे अन्ना जानवर ही हो या कोई और चीज, जो भी ब्लॉक से संबंधित है, मुझसे संबंधित है, उस पर आपका आपके द्वारा अगर फोन किया जाएगा, आपको यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है, फोन सिर्फ करिए, हमें फोन उठेगा और आपकी समस्या अगर अन्ना जानवर की है तो उसका तत्काल निस्तारण होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा गाँव बताइए, जैसा दूसरा बात आपने बताया है कि किसी गाँव में गौशालाओं में जो है अन्ना जानवर जहाँ छोड़े जाते हैं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति हुई तो जो भी सख्त जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी उस गौशाला को पर्टिकुलर गाँव में संचालित करने वाले लोग होंगे।